नए कृषि विधेयकों को लेकर कमलनाथ के ऐलान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। सीएम शिवराज ने कमलनाथ के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि ना नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। नए कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर सूबे में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और मौजूद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। शुक्रवार को सांवेर की सभा में कमलनाथ ने कहा था कि सत्ता में आने के बाद केंद्र के कानून में वो बदलाव लाएंगे, जिस पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसते हुए कहा कि ना नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। सरकार तो आनी नहीं है, इसीलिए कुछ भी कह दो। तो ये कि झूठ कमलनाथ बोल रहे हैं। पहली बात तो उनकी सरकार कभी आनी नहीं। पहले जो वचन पत्र था उसमें से कोई वचन पूरा नहीं किया, अब नए वचन देने लगे। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, सरकार तो आनी नहीं, कुछ भी कह दो। लेकिन झूठ ही बोल रहे हैं वो कि मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है। मैं कह रहा हूं कोई मंडी खत्म नहीं होगी, एमएसपी समाप्त नहीं होगी, एमएसपी भी जारी रहेगी। कृषि कानूनों का अंधा विरोध कर रहे हैं। अरे कोई कानून बनाना था तो जब 15 महीने सरकार में रहे तब क्यों नहीं बनाया? अरे हाथ में कुछ नहीं तो कानून बनाएंगे, भ्रम फैलाएंगे, भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आदरणीय कमलनाथ जी, किसान आपकी सच्चाई जान चुके हैं, कोई भ्रमित नहीं होगा। वहीं कमलनाथ की चुनौती का जवाब देते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ ने मुझे झूठा कहा कि मैं उनको उद्योगपति कह रहा हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये सवाल पहले अपनी पार्टी से पूछें। आपकी पार्टी के नेताओं ने मुझे नंगा और भूखा कहा और आपको देश का नंबर दो का उद्योगपति कहा। कल श्री कमलनाथ जी ने मुझे झूठा कहा और कहा कि मैं उनको उद्योगपति कह रहा हूं और मैं देश भर में उनका कोई उद्योग है तो बताऊं। मैं श्री कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं, ये सवाल पहले अपनी पार्टी से पूछिए। आपकी पार्टी के नेताओं ने मुझे नंगा भूखा कहा और आपको देश के दो नंबर का उद्योगपति कहा। अगर सवाल उठाने हैं तो पहले अपनी पार्टी में अपने नेताओं पर उठाइए, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? मेरी तरफ उंगली उठाने के पहले अपनी पार्टी को देखें। बता दें कि इससे पहले सीएम शिवराज ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को बड़ा उद्योगपति कहकर निशाना साधा था। इस पर सांवेर की सभा में कमलनाथ ने पलटवार करते हुए शिवराज को उनका उद्योग बताने की चुनौती दे डाली। भोपाल से राकेश शर्मा के साथ कृष्णा चौधरी की रिपोर्ट।